क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या, क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है या, वो 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 वो। पत्थर के इन रस्तों पे फूलों की एक चादर, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। देखो जहां में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए है जैसे घुलते हुए। सो ऐसे ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों में है भीगे मेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है या, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या, वो 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 Hey everyone, so I hope आपको मेरा सॉन्ग कवर अच्छा लगा हो। अगर आप अभी तक गेस्ट नहीं कर पाए हैं, दिस इज़ द सॉन्ग क्या मुझे प्यार है फ्रॉम द मूवी वो लम्हे बाय नन अदर देन KK। सो अगर आप भी सॉन्ग को गाना चाहते हैं, गिटार पे प्ले करना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू प्ले एन अकूस्टिक वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग ऑन द गिटार। तो आप जल्दी से गिटार लेकर आ जाओ बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स। हम कौन कौन से कॉर्ड्स प्ले करेंगे, विद और विदाउट केपो दोनों हम कॉर्ड्स देखेंगे, उन कॉर्ड्स को कैसे प्ले करना है, फिर हम चलेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न पे, और लास्ट में हम सॉन्ग का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम जो भी सॉन्ग के पार्ट्स है, वर्स, प्री कोरस, कोरस, म्यूजिक वाला पार्ट, इन सब के कॉर्ड प्रोग्रेशंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, माई नेम इज़ प्रकुल शर्मा, दिस इज़ फ्रंट रो, लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स के साथ। तो कॉर्ड्स हमारा अभी हम विदाउट केपो यूज़ करेंगे। तो जो गाना है हमारा वो एफ शार्प माइनर के स्केल पर है। तो एफ शार्प को प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, पहले नॉर्मल एफ बार कॉर्ड प्ले करो ऐसे, इसके बाद इसको एक आगे शिफ्ट कर दो फ्रेट। तो एक आगे शिफ्ट करने से हमारा ये बन जाएगा एफ शार्प, और उसके बाद अपने मिडिल फिंगर को हटा दो तो ये बन जाएगा हमारा एफ शार्प माइनर कॉर्ड। तो एफ शार्प माइनर कॉर्ड को प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को रखेंगे सेकेंड फ्रेट पर कम्प्लीटली, अपनी रिंग फिंगर को रखेंगे फोर्थ फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और अपनी लिटिल फिंगर को रखेंगे फोर्थ फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द एफ शार्प माइनर कॉर्ड। इसके बाद चलते हैं ई मेजर कॉर्ड पे। तो ई मेजर के लिए हम इंडेक्स फिंगर को रखेंगे फर्स्ट फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर को रखेंगे सेकेंड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर, और रिंग फिंगर को रखेंगे सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द ई मेजर कॉर्ड। इसके बाद चलते हैं डी मेजर कॉर्ड पे। तो डी मेजर के लिए इंडेक्स फिंगर को रखेंगे हम अपने सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर, मिडिल फिंगर को रखेंगे सेकंड फ्रेट के फर्स्ट स्ट्रिंग पर, और रिंग फिंगर को रखेंगे थर्ड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर। एंड दिस इज द डी मेजर कॉर्ड। और लास्ट हमारी कॉर्ड आती है ए मेजर कॉर्ड। तो ए मेजर के लिए हमारा जो सारी फिंगर्स होती है वो हमारे सेकेंड फ्रेट पर आती है। तो हमारा जो इंडेक्स फिंगर रहता है वो आता है फ्रेट सेकेंड के फोर्थ स्ट्रिंग पर, तो और उसके बाद मिडिल फिंगर आती है हमारी सेकंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पर, और रिंग फिंगर आता है सेकंड फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग पर, और ये हो गया हमारा ए मेजर कॉर्ड। तो हमारे पूरे गाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ चार कॉर्ड्स हम यूज़ करते हैं। इन केस आपको एफ शार्प माइनर प्ले करने में डिफ़िकल्टी आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वोकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है एंड मैं चाहता हूँ कि गिटार के जो कॉर्ड्स है मैं ईजी से ईजी प्ले करूँ, तो ऐसे उस केस में होता है जब हम यू नो थोड़ा स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर, तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, केपो को रखेंगे सेकेंड फ्रेट के ऊपर, अच्छे से प्लेस कर देंगे उसको एज पे, तो हमारा केपो हो गया फिट सेकेंड फ्रेट के ऊपर। इसके बाद हमारी जो कॉर्ड्स आएंगी वो होंगी एफ शार्प माइनर के को रिप्लेस करेगा ई माइनर, और ओरिजिनल में ई मेजर की जगह जो हमारा होगा कॉर्ड वो रिप्लेस होगा डी मेजर से, फिर ओरिजिनल डी मेजर को रिप्लेस करेगा सी मेजर, और लास्ट में ए मेजर को रिप्लेस करेगा जी मेजर। तो ये हो गई हमारी चार कॉर्ड्स। सो फॉर दिस वीडियो मैं विदाउट केपो वाली कॉर्ड्स को यूज़ करूँगा ताकि सबके लिए इजी हो जाए। तो अब हमारी कॉर्ड्स हो गई, इनको कैसे प्ले करना है। अगर आपको बाकी जो मैंने विद केपो कॉर्ड्स बताई थी अगर नहीं प्ले करना आता तो यू कैन जस्ट रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज़, उसके अंदर उन वीडियोज़ के अंदर आपको सारी की चारों कॉर्ड्स मिल जाएंगी। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर। तो स्ट्रमिंग पैटर्न हमारा अगेन रूल ये है कि एज लॉन्ग एज आप गाने के ओरिजिनल टेम्पो बीट्स को मैच कर रहे हो तो आप अपने स्ट्रमिंग पैटर्न खुद से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस रिकमेंडेड स्ट्रमिंग पैटर्न। तो मेरा स्ट्रमिंग पैटर्न ये है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप, अगेन स्लोली, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप। और आप इस गाने के अंदर एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम स्टार्टिंग के अंदर जब क्यों आज कल नींद, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रम्स प्ले करेंगे। तो डाउन स्ट्रम्स हम ऐसे प्ले करेंगे, डाउन 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 अप, लास्ट जो मारा आएगा वो अप स्ट्रम्स आएगा। तो अब इसके अंदर जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो जो 3 था वो ऑप्शन था, गलती हो गई, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जो सारे 1 वाले हैं ना, इसको क्या करना है आपको, इस टाइम पे आपको कॉर्ड्स प्ले करनी है एंड बाकी टाइम हमारी कॉर्ड्स म्यूटेड रहेंगे। तो म्यूटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लेइंग एफ शार्प माइनर, तो क्या हो रहा है कि जो 1 है उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने कॉर्ड्स अपनी मतलब फिंगर्स को कॉर्ड के उसमें शेप में एकदम प्लेस करा हुआ है, बट मैं स्ट्रिंग्स को प्रेस नहीं कर रहा। तो उससे क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं नॉर्मल अभी स्ट्रिंग्स को प्ले करूँगा तो सारी स्ट्रिंग्स म्यूटेड है एंड दिस इज़ द इफेक्ट वी वॉन्ट। तो थोड़ा गाने का जो रॉक वाला नो ऐसा रॉक जैसा जो एक फील है इस गाने की, उसको हम मेंटेन रखेंगे इस पर्टिकुलर स्टाइल को अगर हम थोड़ा सा डाल देते गाने के बीच में। तो अगेन डूइंग इट वेरी स्लोली, फर्स्ट जो है हमारा, तो ऐसे डाउन 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 अप, तो ये जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो जो सारे 1 थे उसके अंदर हम कॉर्ड्स को प्ले करेंगे एकदम, तो प्रेस कर देंगे स्ट्रिंग्स को एंड बाकी टाइम हम बस स्ट्रिंग्स को टच करके रखेंगे, उसको प्रेस नहीं करेंगे, तो उससे हमारा म्यूटेड इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न। अब चलता है सॉन्ग स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हमारे पूरे गाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉर्ड प्रोग्रेशंस हम यूज़ करेंगे एंड जो कोरस है उसके लिए हम एक डिफरेंट एक एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो सेकंड कॉर्ड प्रोग्रेशन है, एंड बाकी जो भी हमारा पार्ट आएगा, म्यूजिक का पार्ट हो, प्री कोरस हो, वर्स हो, कोई भी पार्ट हो, उसके लिए हम फर्स्ट वाला प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे। तो जो पहला हमारा प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट होता है हमारा एफ शार्प माइनर से, सेकेंड आएगा हमारा ई मेजर, फिर डी मेजर, फिर ई मेजर, एंड इट साउंड्स लाइक क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई ने एक इरादा है। और ये चीज हमारी सेम रिपीट होगी बाकी की लाइंस में, कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई ने एक इरादा है। तो ये हो गया हमारा जैसे वॉइस कह सकते हैं इसको। इसके बाद आएगा क्या मुझे प्यार है, और ये हो गया हमारा कोरस। तो कोरस के लिए जो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो है ए, फिर ई ई मेजर, एफ शार्प माइनर, फिर से ई मेजर। तो
अगर आप देख रहे हो तो हमारी दोनों कॉर्ड प्रोग्रेशन है, उसके अंदर जैसे हम चार कॉर्ड चार चार कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं हर एक दोनों प्रोग्रेशन में, तो जो हमारा सेकंड और जो फोर्थ कॉर्ड है दोनों प्रोग्रेशन के अंदर वो हमारा ई मेजर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है अगर आप इन केस कभी भूल रहे हो। तो सिंपल हमारा जो सेकंड और फोर्थ जो भी हमारे कॉर्ड्स होंगे वो ई मेजर है, बाकी की दोनों हम याद कर लेंगे। तो हमारा जो कोरस है इट साउंड्स लाइक क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है या। इसके बाद हमारा आता है म्यूजिक जिसके अंदर हम करेंगे वो, और उसके अंदर हमारा जो पहला स्ट्रमिंग पहला जो हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन था वो चलेगा, जिसके अंदर हम एफ शार्प माइनर करते हैं, ई मेजर, डी डी मेजर, फिर ई मेजर। तो चीज हमारी चलती रहती है। अब हमारा जैसे वर्स आता है तो उसे पत्थर के इन रस्तों पे, तो उसके अंदर भी हमारा सेम जो प्रोग्रेशन वही रहता है, एफ शार्प माइनर, ई मेजर, डी मेजर, ई मेजर। पत्थर के इन रस्तों पे फूलों एक चादर है, एंड ये कंटिन्यू होता रहता है। तो जहां पे भी हमारे हमारे बेसिकली सॉन्ग के अंदर अब एक और वर्स आएगा और प्री कोरस आएगा, देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले, और उनके अंदर सेम प्रोग्रेशन रहेगा, एफ शार्प माइनर, ई मेजर, डी मेजर, फिर ई मेजर। एंड सिर्फ जो हमारा कोरस है क्या मुझे प्यार है, इसके अंदर हमारा जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो है ए मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर और फिर ई मेजर। तो ये हमारा हो गया सॉन्ग स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा हमारा सॉन्ग कवर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ दो कॉर्ड प्रोग्रेशंस में। सो आई रियली रियली होप दैट आपको ये सॉन्ग लेसन ईजी और हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप सारी लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले सुन सको। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। तो फिर मिलेंगे एक नए सॉन्ग लेसन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। सो हैप्पी लर्निंग, एंड हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।